कैसे बीट करेंगे बिल्डर बेस ऑफ द नॉर्थ चैलेंज को, चलिए देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये है हमारा बेस है, लिटरली इसको ट्रिपल करने में आपकी फटने वाली है, मेरी भी फटी है, बट इस गाइड की मदद से आप एकदम ऐसे चुटकी में इसको कंप्लीट कर पाओगे। तो चलिए बताता हूँ कैसा। सबसे पहला स्टेप है अपना विजिट सिलेक्ट करें, यहाँ पर ड्रॉप करें, इसको इलेक्ट्रो मोड में लेके आ जाओ ताकि ये चेन वैल्यू आपको दे। दो चेन का वेट करना है, अभी आराम से वेट करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। एक चेन हो गया, दूसरा चेन का वेट करेंगे, जैसे दूसरा चेन पड़ेगा वैसे उसके बाद दो अपने नाइट विचेस को यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे एंड फिर आराम से वेट करेंगे। ज्यादा एक अगर कहीं भी हड़बड़ी की तो वैन बच जाएगी। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे हम अपने मिनियंस को ड्रॉप कर देंगे, चारों के चारों मिनियंस को हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया एंड देन हम यहाँ पे अपना ड्रॉप शिप को ड्रॉप करेंगे। परफेक्ट, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ सही से चल रहा है हमारा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है गाइस। जल्दबाजी अगर कहीं भी की आपने तो आपकी बैंड बजनी एकदम तय है, कंफर्म। तो अब थोड़ा टाइम और वेट करूंगा एंड देन यहाँ पे अपना बेबी ड्रैगन को ड्रॉप करूंगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर 6 वाले नाइट विच को यहाँ पे हमने एबिलिटी यूज कर ली, थोड़ी जरूरत थी इसीलिए कर ली, कभी कभी हो सकता है आपको जरूरत ना पड़े, बट यहाँ पे पेशेंस है, पूरा पेशेंस का गेम है। जैसे ही ये टेस्ला निकल जाएगा वैसे हम अपना बैटल मशीन यहाँ ड्रॉप कर देंगे एंड देन हम फिर से आराम से वेट करेंगे एंड देन अपना 5 नंबर का जो हमारा ये नाइट विच है उसकी एबिलिटी भी हम ले लेंगे एंड देन वी कैन सी गाइस कि आराम से हमारा ये बेस जो है वो क्लियर हुए जा रहा है। एबिलिटी यूज़ करेंगे अपने बैटल मशीन की, जब जब एबिलिटी अवेलेबल होगी आप यूज़ करते रहो। यहाँ पे ड्रॉप शिप जो है उसकी एबिलिटी आ गई है एंड आप देख सकते हो गाइस आराम से हमारा बेस जो है वो क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है बेस में, सेंटर में कुछ फायर क्रैकर्स हैं जो बचे हुए हैं, यहाँ पे एबिलिटी ले लेंगे फिर से और कितनी इजीली ये बेस हमने क्लियर कर लिया आप देख सकते हो। बट जैसे मैंने बताया विदाउट गाइड आपकी फटने वाली है, फटेगी, सबकी फटेगी। बट जैसे आप दो टिप, मेन इंपॉर्टेंट टिप है, एक तो वो इलेक्ट्रो का चेन और दूसरा नाइट विचेस की डिप्लॉयमेंट और बैटल मशीन को होल्ड करना, ये दो तीन चीज़ें अगर आप ठीक से कर लोगे तो आप हर बार इस बेस को बीट कर सकते हो, बट थोड़ा सा ट्रिकी तो है मैं मानूंगा। तो गाइज अगर वीडियो एंजॉय किया तो फटाफट लाइक करें और कैसे किंग ऑफ द नॉर्थ चैलेंज को बीट करना है उसे देखने के लिए इस वीडियो को क्लिक कीजिए।